Hello, good morning to all of you. Welcome to Rashtri International Online Classes. Myself, Govind Singh Dhar, and welcome to your biology classes. So, we all are dealing with biology. Very interesting. है ना, हार्डफुल सब्जेक्ट है बेटा, प्यार से आराम से समझेंगे और बिल्कुल शिद्दत के साथ समझेंगे बेटा, रटने वाला कुछ भी नहीं है इसमें, तो पूरा कॉन्सेप्ट बेस है, हर चीज इतनी इंटरेस्टेड है, अपने बारे में पढ़ना है, प्लांट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, तो बताओ इंटरेस्टेड है क्या नहीं है बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। गुड, तो क्लास 12 में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो पॉलिनेशन, क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन। तो देखो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बच्चे बेटा पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन। क्लियर है? तो देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन है उसका मतलब क्या है। तो देखो समझो, मेरे पास दो तरह के फ्लावर्स हैं, आप समझिए, या दो तरह के प्लांट्स हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं, हमारे पास एक प्लांट तो ये है बच्चों, सपोज एक प्लांट ये है, आप देखिए ये हमारे पास एक प्लांट है। इस प्लांट में इसके फ्लावर पर बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। ओके, तो देखो यहां पर मान लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों है। तो बेटा इस फ्लावर को अपन कहेंगे यूनिसेक्स, ठीक है, दोनों, ठीक है, तो बोथ सेक्स ऑर्गन, ठीक है भैया, क्लियर है बच्चों, बोथ सेक्स ऑर्गन, बिकॉज मेल भी है और फीमेल भी है, तो मेल का साइन ऐसा लगा दे फीमेल का साइन ऐसा लगा देते हैं। क्लियर बच्चों? ओके, तो चलिए अब दूसरी तरफ इधर आओ, ये हमारे पास एक दूसरा वाला प्लांट है और देखो बच्चों इस प्लांट के पास एक ही सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, ओनली वन सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ठीक है, ओनली वन सेक्स ऑर्गन।
फिर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दो प्लांट्स हमने देख ली। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास सपोज कीजिए एक ही प्लांट है और उस पर दोनों सेक्स ऑर्गन हैं, तो पॉलिनेशन एक ही प्लांट पर होगा, यस या नो? सर वीडियो प्लेइंग वेरी फास्ट, ठीक है अभी बेटा टेक्निकली देख लेते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है। तो देखो पॉलिनेशन में, तो पॉलिनेशन में अपन देखते हैं मैसेज, तो बोथ सेक्स ऑर्गन्स है और ओनली वन सेक्स ऑर्गन, तो इसी को देखते हैं अपन बेटा, इस प्लांट के पास और इस प्लांट में क्या होने वाला है, तो उसको समझते हैं। अगर यहां पर हम देखें तो पॉलिनेशन का क्या प्रोसेस है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, ठीक है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, वो सेम फ्लावर में भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर पर भी हो सकता है, तो उसे हम पॉलन ग्रेन कहेंगे, ओके, तो उसको अपन देख सकते हैं। तो देखो यहां पर अगर हम समझे तो पॉलिनेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है, तो देखो एक यहां पर और बना देते हैं फ्लावर, ये भी फ्लावर, तो देखिए बच्चों, तो देखो इसके बाद अगर हम देखें बोथ सेक्स ऑर्गन है और यहां पर कितना सेक्स ऑर्गन है बच्चों, वन सेक्स ऑर्गन, तो पॉलिनेशन में सबसे पहले क्या होगा, एक डेफिनेशन लिखते हैं, तो लिखिए बेटा एक डेफिनेशन लिखो सबसे पहले पॉलिनेशन की, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर is called pollination. Video not coming clearly. But देखते हैं कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, अभी चेक करवा लेते टीम से फिर कंटिन्यू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो है। ओके ठीक है, तो यहां बहुत सेक्स ऑर्गन है और यहां ओनली वन सेक्स ऑर्गन, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर पॉलिनेशन में, इसको समझे बेटा पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, और फिर इसके बाद समझेंगे हम फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन कैसे होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले आप समझो इस चीज को कि यहां पर सबसे पहले पॉलिनेशन करने के लिए हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्लियर, ओके थैंक यू। आप देखो
तो यहां पर हमें सबसे पहले पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट, तो उसको समझ लेते हैं। मैं मेंशन कर रहा हूं यहां बॉक्स में, आप देख रहे हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो टाइप के होते हैं, पहला एक तो एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। क्लियर है? मेंशन करिए बेटा, पहले डेफिनेशन को मेंशन कर लिए सभी ने, अब इसके बाद ओके क्लियर, ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा सबको। एक बार आपने मेंशन कर लिया डेफिनेशन को, थम्स अप भेज दीजिए बेटा, सब चीज क्लियर है तो एक बार थोड़ा सा सब बच्चे थम्स अप भेजिए अगर सभी चीजें क्लियर है, सभी की तरफ से आना चाहिए। मोनिका, गैलेक्सी, ओके ठीक है बेटा, अभी ठीक है। तो अब सबसे पहले पॉलिनेटिंग एजेंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एबायोटिक और बायोटिक? नहीं मन्नो, बायोटिक का मतलब होता है बेटा जो लिविंग हो, और एबायोटिक का मतलब होता है बेटा जो लिविंग ना हो, ठीक है बच्चों। तो एबायोटिक और बायोटिक दोनों तरह के हो सकते हैं। तो एबायोटिक कौन कौन से? पहले देखो, मेनली वाटर, फर्स्ट वाटर, दूसरा बेटा एयर, ठीक है, वाटर और एयर, ठीक है। तो हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है और वाटर के भी द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है। तो एबायोटिक प्रोसेस में एक तो वाटर आ गया और सेकंड कौन आ गया बच्चों? एयर। एयर के द्वारा भी पॉलिनेशन हो सकता है और वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है। बायोटिक में क्या है बच्चों? देख, बायोटिक का अगर प्रोसीजर को समझे तो बायोटिक में आप मान लीजिए हनी बी, हनी ठीक है, हनी एंड एनिमल्स और कुछ बर्ड्स, बायोटिक में क्या क्या होगा बेटा? हनी बी, कुछ अदर एनिमल्स, बैट वगैरह को पढ़ेंगे अपन, और कुछ बर्ड्स। किनकी बात कर रहे हैं बच्चों अपन? बर्ड्स। बर्ड्स का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बेटा कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए। क्लियर है यहां तक? कि आपने पॉलिनेटिंग एजेंट्स मेंशन कर लिए हैं क्या? बताइए, पॉलिनेटिंग एजेंट मेंशन कर लिए हैं क्या बच्चों? चलिए अब आगे, तो इसके बाद हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या समझने वाले बच्चों? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो मैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स को हटा देता हूं यहां से और अब हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले बात कीजिए टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के लिए बेटा। एनसीईआरटी में दो टर्म मेंशन की गई है, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। तो एनिमोफिली इज अ प्रोसेस द पॉलिनेशन बाय एयर करंट, हवा के द्वारा, और हाइड्रोफिली बायोटिक में फर्स्ट में बेटा हनी बी। क्या लिखा है बेटा? हनी बी। क्लियर है नेहा? हनी बी ओके। तो देखिए बच्चों, अब हम यहां से मेंशन करने वाले हैं कि ये पॉलिनेशन प्रोसेस कितने टाइप का होता है और कैसा होता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देख, मैं यहां से
हटा देता हूं डेफिनेशन को और देखिए बच्चे only have one sex order. तो ये हो गया बच्चों unisexual flower, unisexual flower, और ये हो गया बच्चों आपका bisexual, bisexual flower. ठीक है बच्चों unisexual flower और bisexual flower clear है. जिसमें दोनों sexes हो bisexual और जिसके पास एक ही sex हो वो unisexual. Okay, नीरज की तरफ से आंसर है बेटा three type का होता है. बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही, three type का होता है. पहले अपन इसको समझ ले थोड़ा सा कि कैसे हो रहा है. तो देखो अगर मेरे पास एक flower है और उस flower में यहां से ही पॉलिनेशन होता है इसी के पास में, इस पर ये पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन. तो ये क्या हुआ बच्चों, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इट विल बी कॉल्ड ऑटोगेमी. क्या कहा जाएगा बच्चों, ऑटोगेमी. क्या कहोगे, ऑटोगेमी. क्लियर है बच्चों, ऑटोगेमी, दिस टाइप ऑफ ऑटोगेमी. अगर प्लांट सेम है और फ्लावर डिफरेंट है, यानी इस फ्लावर पर मेल है और इस वाले पर फीमेल है, तो दिस इज कॉल्ड जिनेटोगेमी. जिनेटोगेमी, एक मिनट बेटा, जिनेटोगेमी बेटा एक बार मेंशन कर लेना इसको, जिनेटोगेमी. तो यहां पर क्या है बेटा, और थर्ड बच्चों वेरी गुड, जीनोगेमी. जीनोगेमी का क्या मतलब है, देखिए ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाना. ये देखो सेम फ्लावर पर था, एक ही फ्लावर में, ये एक फ्लावर से सेम प्लांट के अनदर फ्लावर पर, और ये बेटा एक फ्लावर, एक प्लांट से अनदर प्लांट, इसको कहेंगे बच्चों जीनोगेमी. क्या कहेंगे बच्चों इसको, जीनोगेमी. क्लियर है, बताओ तीनों टाइप समझ में आ गए एक बार, सब सभी थम्स अप भेज दें या वापस से एक बार दोबारा बताओ. नेहा, लोकेश, नीरज, सलोनी, ओके ओके, ठीक है सभी की तरफ से आ गए. देखो वापस एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते बेटा, सेम फ्लावर पर एक ही फ्लावर से उसी के पास अगर हो रहा है तो पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, ऑटोगेमी. क्या कहेंगे, ऑटोगेमी. आप लोग मुझे एग्जांपल बताएंगे, उसके बाद एक ही फ्लावर से उसी प्लांट के अनदर फ्लावर पर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, जिटेनोगेमी. और इसी के बाद अगर अपन देखें यहां पर तो एक ही फ्लावर से, तो एक प्लांट से किसी अनदर प्लांट पर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, जीनोगेमी. क्या कहोगे बच्चों, जीनोगेमी. क्लियर है बात, यस. तो कैसे लिखेंगे, ऑटोगेमी को मेंशन करते हैं सबसे पहले, ऑटोगेमी. पॉलिनेशन ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, पॉलिनेशन इन ए सेम फ्लावर, प
पॉलिनेशन इन ए सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पर होगा बेटा। एग्जाम्पल बताओ बेटा ऑटोगेमी का, एनीवन हैव एग्जाम्पल ऑटोगेमी? एग्जाम्पल बताइए, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी लगना चाहिए क्लास के अंदर। ऑटोगेमी का एग्जाम्पल बताओ, इतने लोग हैं हमारे एग्जाम्पल नहीं बता पा रहे। हिबिस्कस, वेरी गुड। वायोला, और इजी कर लो इसको बेटा, इजी कर ले। ठीक है, तो आप लिखो बेटा इसके अंदर पी प्लांट। क्या लिखने वाले हो बच्चों? पी प्लांट, पी लिख लिया, पी प्लांट, ये भी याद रख लेना बेटा, पी प्लांट। ओके, दूसरा इसके बाद जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, लिख रहा हूं बेटा बेटा इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन एग्जाम्पल रेडी रखना बच्चों आप लोग, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इन ए सेम इन ए डिफरेंट फ्लावर, इन ए डिफरेंट फ्लावर बट प्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ पोलन के इन ए डिफरेंट फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर, वो सेम प्लांट प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। एनी एग्जाम्पल हो बच्चों? जिटेनोगेमी का एग्जाम्पल दीजिए। फ्रूटिंग प्लांट्स, ओके बिल्कुल सही है बच्चों। और कोई फ्रूटिंग प्लांट के एग्जाम्पल बताओ, सब में आ गया फ्रूटिंग प्लांट्स में, आप देख सकते हो बेटा फ्रूटिंग प्लांट्स। और किसी के पास एग्जाम्पल है बच्चों जिटेनोगेमी का? नीरज क्या हुआ भाई, अजय, दीपक आंसर करो बेटा जिटेनोगेमी का वाटरमेलन, वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड, वेरी इजी एग्जाम्पल, ये बिल्कुल लिख लीजिए बेटा वाटर मेलन। क्या आपने दोनों डेफिनेशन लिख लिए बच्चों विद एग्जाम्पल? यस सर, स्पीक अगेन टू टाइप्स। ओके मैं लिखवाता हूं बेटा आप लोगों को, पहले आप मेंशन करो ऑटोगेमी, सभी फर्स्ट लिखिए बेटा ऑटोगेमी, ऑटोगेमी इसमें लिखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इन ए सेम फ्लावर हैव बोथ सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? एग्जाम्पल को बेटा पी देखो बेटा, एग्जाम्पल पी। ओके अब पहले आप बेटा इसका डायग्राम बनाओ ऑटोगेमी का, पहले डायग्राम बनाइए, तीनों डायग्राम अलग अलग बनाने अगर आपको अच्छे से समझ गए तो, पहले ऑटोगेमी का डायग्राम बनाइए, ओनली ऑटोगेमी का डायग्राम बनाइए। सर रिपीट करो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन ए सेम फ्लावर हैव बोथ सेक्स ऑर्गन,
लिख लिया। एग्जाम्पल लिखिए बेटा पी, एग्जाम्पल इज अ पी, क्लियर है। और डायग्राम मेंशन करिए बच्चों, डायग्राम जरूर मेंशन करना है आप लोगों को। ठीक है, अब सेकेंड टाइप को जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी, और उसमें लिखिए आप ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन ए डिफरेंट फ्लावर इन ए डिफरेंट फ्लावर बट प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर। In a different flower, but same plant. In a different flower, but present on same plant या same plant mention कर लिया बच्चों। Transfer of pollen grain in a different flower, but present on same plant. Okay. बोर्ड से दिखाई दे रहा है तो बेटा यहां से मेंशन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल लिखिए इसका जिटेनोगेमी का, वाटरमेलन, वाटरमेलन, कॉर्न, बिल्कुल सही बेटा, कॉर्न भी कह सकते हो, कॉर्न भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, कॉर्न में भी होता है बेटा डिफरेंट वे, कॉर्न भी लिख सकते हो। ओके, आप डायग्राम बनाइए बच्चों इसका, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिटेनोगेमी का, जिटेनोगेमी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये बेटा अलग अलग मेंशन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऑटोगेमी कहां हुआ, जिटेनोगेमी कहां हुआ और जीनोगेमी कहां हुआ। देखो जिटेनोगेमी को जेनेटिकली तो माना जाता है जीनोगेमी जैसा ही, पर पता नहीं इसको क्यों डिस्ट्रीब्यूशन करके यहां पर ऑटोगेमी के साथ ही रखा गया, क्योंकि ये जेनेटिकली सेम ही है। लेकिन जीनोगेमी में देखेंगे बेटा दो प्लांट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितने प्लांट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है, दो का। लेकिन जिटेनोगेमी में तो एक ही प्लांट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक टॉप पे है फ्लावर और एक फ्लावर नीचे है, तो यहां से पोलन ग्रेन उड़कर दूसरे वाले के पास आ गए। क्लियर है, हमारी बुक में भी मेंशन किया गया है बेटा इनके पिक्चर्स, हाँ नीरज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहे, ठीक है। चलिए अब आगे मेंशन करते हैं बेटा, और आगे चलते हैं अपन थर्ड टाइप को लिखते हैं जीनोगेमी, जीनोगेमी लिखिए बेटा, ट्रांसफर मैं लिख देता हूं, जीनोगेमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स, टू डिफरेंट प्लांट्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स, टू डिफरेंट प्लांट्स, आप फ्लावर भी मेंशन कर लीजिए, सेम स्पीशीज, स्पीशीज कैसी होगी बेटा, सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज, स्पीशीज नहीं बदलेगी बेटा, स्पीशीज सेम रहेगी, क्लियर है, स्पीशीज सेम रहने वाली है,
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स प्लांट्स या फ्लावर समझ सकते हो आप इसको, सेम स्पीसीज। ऑनियन एग्जांपल है, बिल्कुल सही है, ऑनियन एग्जांपल है। ऑनियन लिख लीजिए बेटा इसका एग्जांपल जीनोगेमी का। स्पिनिच बिल्कुल सही है, स्पिनिच भी है बेटा, नेहा स्पिनिच भी है, आप लिख सकते हो। इजी याद रख लो बेटा, एक याद रख लो ऑनियन याद रख लो, उधर पी याद रख लो, उधर वाटरमेलन याद रख लो, ज्यादा मत करो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। स्पिनिच रहने दो, ऑनियन कर लो, उधर वाटरमेलन और उधर पी। क्लियर है? यस या नो? यस। मेंशन कर लीजिए बेटा डायग्राम को भी, मेंशन कर लीजिए डायग्राम को। डायग्राम के लिए दो डिफरेंट फ्लावर्स बनाइए डिफरेंट प्लांट्स पर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स एंड फ्लावर। ठीक है, एग्जांपल ऑनियन। मेंशन कर लिया है, ओके। एवं सभी हम सब भेज दीजिए अगर आपको मेंशन हो गया है तो। पॉलिनेशन, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आप शुरू करते बेटा अपन आगे, एक बार इसका देख लेते अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन पढ़ चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ चुके हैं, इसके साथ हमने बेटा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ लिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ लिया है मेगा स्पोरोजेनेसिस, और इसके बाद हम बात कर चुके हैं बेटा पॉलिनेशन की, पॉलिनेटिंग एजेंट। दीपक बेटा आप बोल दिए, कुछ कह रहे हैं आपको दीपक? यस दीपक, ओके, नहीं ओके, ठीक है। इसके बाद अब हम आज बात कर चुके हैं बेटा पॉलिनेशन की, और पॉलिनेशन के बाद अगर हम बात कर चुके हैं तो अब हम बात करने वाले हैं इसके साथ आगे फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि अब मेल गैमेट बन करके फीमेल गैमेट बन गए, उसके बाद पॉलिनेशन हो चुका है, और अब पॉलिनेशन हो जाने के बाद अपन ये यहां पर देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किस तरह का होता है। तो याद करो एंजियोस्पर्म में हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। कैसा फर्टिलाइजेशन करते हैं बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्लियर है यहां तक की बातें? चलिए तो 5 मिनट का हम एक क्विक रिव्यू सेशन रख लेते हैं बेटा, 3 मिनट ही है, जिसके अंदर मैं आपको कुछ ओल्ड टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, आप उनके आंसर्स करिए। तो सबसे पहले मुझे बताइए विच एंथर वॉल प्रोवाइड नरिशमेंट टू पोलन ग्रेन्स, विच एंथर वॉल प्रोवाइड नरिशमेंट टू पोलन ग्रेन। क्विक आंसर कौन करता है? एक क्विक सेशन है बेटा, जो सबसे फास्ट आंसर करेगा टैपीटम कपिल का, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा सभी बच्चे, टैपीटम। देखो इसमें तो विनर कौन रहा है? कपिल रहा है, उसने सबसे पहले आंसर किया है। आप लोगों को फर्स्ट आंसर करना है फिर विनर होगा। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, इन बिटवीन सॉरी नहीं नेक्स्ट, इन मेगा स्पोरोजेनेसिस या ए फीमेल गैमेटोफाइट हैव पोलर न्यूक्लियाई, हैव पोलर न्यूक्लियाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल बी कन्वर्ट, पोलर न्यूक्लियाई का कन्वर्जेशन किसमें हो जाएगा बेटा बाद में? पोलर न्यूक्लियाई का आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मैंने बताया है कि पोलर न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाएंगे किसी चीज में। बताइए क्विक सेशन है बेटा,
कौन आंसर करता है? पॉलर न्यूक्लियाइड 2n सेल का उसका कन्वर्जन बेटा किस में हो जाएगा फ्यूचर में जाकर के? नो, गलत आंसर नहीं, पॉलर न्यूक्लियाई का। पॉलर न्यूक्लियाई बेटा फीमेल गैमेटोफाइट में हमने पढ़ा था ओव्यूल के अंदर, याद करो। सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन नया मैंने ये भी बताया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल विल बी कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म। याद आ रहा है क्या किसी को बच्चों ये बात? एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। और याद करो हमने एग्जांपल पढ़ा था कोकोनट वाटर, हम लोग पीते हैं ना, वो क्या है? एंडोस्पर्म ही तो है। अब समझ में आया कि एंडोस्पर्म वाला कॉन्सेप्ट बताओ बच्चों? अभी तो एंडोस्पर्म के आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैं बता चुका हूं इसलिए मैंने आपको पूछा है बेटा। क्लियर है? एक बार थम्स अप भेज दीजिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो। ओके ओके जी, तो ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, आप बताइए विच, ओहो ठीक है, पॉलर सेंट्रल सेल हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीपोडल सेल्स? क्विक फास्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीपोडल सेल्स? क्विक कीजिए बच्चों, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर। क्विक लास्ट, कौन विनर रहता है? नो, हाँ न्यूट्रिशन, वेरी गुड, सबोनी का आंसर आया प्रोवाइड न्यूट्रिशन, कपिल का भी आंसर आया, कपिल यू ऑल्सो अगेन विन। ठीक है, तो आज बेटा कपिल विन रहा, दोनों तीन दो आंसर्स में सबसे आगे से भी पहले दिन। ऐसा ही अपन रखा करेंगे बेटा, जो सबसे फास्ट, इसका मतलब आपको प्रोवाइड नरिशमेंट, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही करते, कल फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। सब लोग पढ़ के बैठे अच्छे से चीजों को, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कोई भी डाउट हो तो बेटा आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। क्लियर बेटा? आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा साथ हूं आप लोगों के साथ। बिफोर फर्टिलाइजेशन दे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, वेरी गुड जीतो, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग बेटा, मजा आ गया पूरी क्लास में जोश के साथ।